भारत के पड़ोसी देश भूटान से कई भूटान नागरिक आज भूटान से जयगांव शहर आते हुए दिखाई दिए। इस दिन देश भर में लागू है लॉकडाउन, फिर भी क्यों एवं कैसे जयगांव शहर में प्रवेश किया यह जानकारी लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे वॉइस ऐप की आवाज चैनल के प्रतिनिधि। भूटान गेट के सामने अलीपुरद्वार जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाया गया कैंप में मौजूद इंचार्ज से पूछने पर उन्होंने कहा, कोरोना वायरस फैलने की शुरुआत में भूटान के नागरिक जयगांव से भूटान चला गया था। वह लोग जयगांव में भाड़ा में रहता था। उन लोगों की सामान लेने एवं खान पान की सामग्री लेने के लिए भूटान से कई भूटानी नागरिक जयगांव में प्रवेश किया। लगभग 80 लोगों की प्रवेश हुआ है। यह लोगों की स्वास्थ्य जांच करने के बाद ही जयगांव में आने दिया गया। कोई शॉपिंग करने आ रहा है, कोई जो जयगांव में जो बैठते थे ना वो लोग अपना सामान लेने के लिए जा रहा है। यहाँ से ये लोग, हम लोग यहाँ रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, गाड़ी का नंबर लिख रहा है, इस तरह इनको निकलने दे रहा है। कोई थर्मल आपको ये नहीं होगा? स्कैन करके जो जितना अभी तक देखा है कोई स्कैन में कोई फीवर केस नहीं मिला अभी तक। 85 रजिस्ट्रेशन हुआ है अभी तक। इधर जयगांव में आने वाले भूटानी नागरिक ने कहा, खान पान की सामग्री एवं घर के सामान लेने के लिए आए हैं। हमें सामान लेना है। जयगांव की बैग का पे जयगांव, हमें जयगांव बस लेना है। कुछ सामान किन लेना, कुछ सामान किन लेना, मतलब हमें यहाँ रेन को बस लेना है, तो सामान लेना है। ए सामान लेना है बाग का, नेसेसरी आइटम है। तब कहाँ दिन आओ ना बागो? फुल चिलिंग जी जी छे घड़ी काटे मो। तो मैं तो नहीं जानी साइंस।